हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पर्पल क्रिएशंस। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए मिनी क्रोशिया का बैग लेकर आई हूँ। देखिए, ये दो कलर में बनाया है। आप चाहें तो इसे सिंगल कलर में भी बना सकती हैं और मल्टी कलर में भी बना सकती हैं इसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 7 नंबर का क्रोशिया यूज़ किया है और 4 प्लाई की वूल यूज़ की है। आप इसे थ्रेड से भी बना सकती हैं। सबसे पहले मैं ये वाला पोर्शन बनाऊंगी, ये वाला जो उसका बेस है। इसके लिए सबसे पहले मैं एक मैजिक रिंग बनाती हूँ इस तरीके से। एक चेन बनाई, ये मैजिक रिंग बन गई है और इसमें एक बार और एक चेन बना ली। अब इसके बाद हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तीन, 6 बार हमें ये सिंगल क्रोशिया बनाना है। 4, 5 और ये 6। ये फर्स्ट राउंड है, इसमें हमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। उसके बाद इसको हमें खींच लेते हैं और टाइट कर देते हैं इसे। ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इसको लास्ट वाले स्टिच में से स्लिप स्टिच कर देते हैं, ये बना देते हैं। इससे ये स्लिप स्टिच बन गया। अब हमें ये 6 जो हमने बनाए हैं सिंगल क्रोशिया, अब हमें इसके 12 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। हर स्टिच में हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक चेन बना के अब इसी स्टिच में हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। दो हो गया, फिर नेक्स्ट स्टिच में ये सेकंड राउंड है, ये फर्स्ट राउंड हो, ये सेकंड राउंड हो गया कंप्लीट। देखिए, अब इसे हमें इस वाले स्टिच से स्लिप स्टिच बनाना है। ये सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमें एक चेन बनानी है, फिर इसी में हमें 1 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है और नेक्स्ट स्टिच में हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक स्टिच में 1 बार और नेक्स्ट स्टिच में 2 बार, ये राउंड इस तरीके से कंप्लीट होगा। पहले एक स्टिच में 1 बार और दूसरे स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनना है। थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से स्लिप स्टिच बनाते हैं इसका। अब फोर्थ राउंड, एक चेन बनाई, फिर इसी में 1 बार सिंगल क्रोशिया का
किया, फिर नेक्स्ट स्टिच में भी एक बार सिंगल क्रोशिया और उसके बाद इस स्टिच में दो बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब दो स्टिच में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनेगा और थर्ड स्टिच में दो बार, थर्ड स्टिच में दो बार, ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा। ये फोर्थ राउंड है हमारा। ये हमारा फोर्थ राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ से स्लिप स्टिच बनाना है। एक चेन बनाई, फिफ्थ राउंड में एक बार सिंगल क्रोशिया, दूसरी बार सिंगल क्रोशिया, फिर तीसरे स्टिच में भी सिंगल क्रोशिया, फोर्थ स्टिच में हमें दो बार, एक दो, एक दो तीन, तीन बार, एक एक बार बनेगा सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट स्टिच में दो बार। इस तरीके से ये फिफ्थ राउंड कंप्लीट होगा। ये फिफ्थ राउंड कंप्लीट हो गया। इसे स्लिप स्टिच से कंप्लीट किया। ये देखिए फिफ्थ राउंड कंप्लीट हो गया और इसमें हर राउंड में छः स्टिच बढ़ते हैं। अब सिक्स्थ राउंड, इसमें चेन बनाई, फिर एक दो तीन चार, चार बार एक एक, एक चार स्टिच में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिफ्थ स्टिच में दो बार, फिर चार, अब ये फिफ्थ स्टिच में दो बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से ये वाला राउंड कंप्लीट होगा। ये देखिए हमारा ये एक दो तीन चार पाँच छः, सिक्स राउंड हो गया कंप्लीट। सिर्फ स्लिप स्टिच बनाया यहाँ, एक चेन बनाई। अब नेक्स्ट सेवन्थ राउंड में एक दो तीन चार पाँच और ये छः, छः छः स्टिच बनाने के बाद सेवन्थ स्टिच में दो बार सिंगल क्रोशिया, दो बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब फिर इसके बाद एक दो तीन चार पाँच और ये छः, इसके नेक्स्ट स्टिच में दो बार सिंगल क्रोशिया बनेगा और ये सेवन्थ राउंड इसी तरह कंप्लीट होगा। ये देखिए सेवन्थ राउंड इसका कंप्लीट हो गया। ये को स्लिप स्टिच से कंप्लीट कर देते हैं। अब इसका ये एट्थ राउंड है। एट्थ राउंड में कोई भी इंक्रीज नहीं होगा, हर स्टिच में सिंगल क्रोशिया ही बनना है। इस तरह चेन बना के एक, हर स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाना है ये एट्थ राउंड में। आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसका ये जो बॉटम बेस है इसको बड़ा भी कर सकती हैं। एट्थ राउंड इसी तरह कंप्लीट होगा, पूरे राउंड में सिंगल क्रोशिया बनेगा। ये इसका एट्थ राउंड कंप्लीट हो गया। स्लिप स्टिच से इसको कंप्लीट कर देते हैं। ये देखिए इसका बॉटम हो गया तैयार।
अब हम इसका जो ये वाली रो बनेगी दूसरे कलर से बनाते हैं। इसके लिए मैंने ये वाला कलर यूज़ किया। ये पूरा इधर तक जो पैटर्न बना है ये पफ स्टिच है। मैं दूसरा कलर इसमें ऐड कर रही हूँ। एक हमने चेन बनाई, इसको एक चेन और बना ली। अब इसके बाद मैं पफ स्टिच बनाऊंगी। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हुए इसी स्टिच में एक दो तीन और ये चार, चार बार मैं इसे इस क्रोशिया के ऊपर से लूँगी। फिर इनमें से इस सब लूप में से इसे निकाल के इस तरीके से एक चेन बना। फिर नेक्स्ट जो है वो भी इसी ही होल में से, इसी स्टिच में से हमें फिर चार बार, एक बार चार बार इस पे क्रोशिया पे लेते हुए पफ स्टिच बनाना है। ये चार बार हो गया। अब हम इसको इस तरीके से निकाल देते हैं और इसमें हम अभी चेन नहीं बनाएंगे। एक एक ये स्टिच छोड़ के नेक्स्ट स्टिच में हमें फिर चार बार ये पफ स्टिच बनाना है, दो तीन और ये चार। फिर हम इसको ऐसे कर लेते हैं, वो चेन बना देते हैं। फिर इसी स्टिच में हमें एक बार और पफ बनाना है, तीन और ये चार, बस इतना। इसको चेन नहीं बनानी, इसको ऐसे बल लिया और एक स्टिच को छोड़ते हुए नेक्स्ट स्टिच में हमें फिर यही एक दो बार पफ स्टिच बनाना है। ये ऐसे लेते हो, इसमें ये चेन बन जाएगी। फिर नेक्स्ट इसी स्टिच में एक और पफ बनाना है। अब हमें फिर एक और ये दो इस स्टिच में हमें फिर दो बार पफ स्टिच बनाना है। इसमें चेन बनाने, नेक्स्ट दूसरे स्टिच में हमें चेन नहीं बनानी, चार। इसी तरीके से हमें पूरे इसमें पूरे राउंड में यही स्टिच बनाना है। अभी
ये देखिए इस तरीके से इसमें चेन बन जाएगी। अभी इसमें एक और पफ स्टिच बनेगा और ये पूरा राउंड इसी तरह कंप्लीट करना है। ये रो इसी तरह से कंप्लीट करनी है। देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया इसका। अब इसको हम स्टिच से स्लिप स्टिच बनाते हुए ऐसे और ऐसे निकाल देते हैं। स्लिप स्टिच बन गया ये। और इस अगले स्टिच से हम नेक्स्ट कलर यूज़ करेंगे। ये देखिए अब हम पिंक कलर यूज़ कर रहे हैं। पिंक कलर से स्लिप स्टिच बनाया, एक चेन बनाई और अब हम इसमें जो हमने ये दो बनाए इसके बीच वाले गैप में हमें पफ स्टिच बनाने हैं दो। इसमें चेन बना ली। अब ये एक पफ स्टिच बन गया इसका। अब दूसरा ये दूसरा बन गया। अब नेक्स्ट वाले स्टिच में हमें दो बनाने हैं। इसमें इस जो इन दोनों का गैप है इसमें ये चेन बना दे, फिर एक और इसमें बनेगा, एक दो तीन और ये चार। अब हम इस नेक्स्ट स्टिच में एक दो तीन और ये चार एक बार और इसी स्टिच में पफ स्टिच बनेगा चार। ये राउंड इसी तरीके से कंप्लीट होगा। ये राउंड यहीं कंप्लीट हो गया। इसको यहां से स्लिप स्टिच से इस तरीके से कर देते हैं और अब हम दूसरा कलर यूज करेंगे।
ये देखिए इसमें से अब हमें फिर इधर ला के एक चेन बनानी है। अब हमें फिर इसमें से दो पफ स्टिच बनाने, एक धागा अड़ता है इसमें थोड़ा, मैं कर रही हूँ सही। एक दो तीन और ये चार, ये इस तरीके से चेन बना ली। इसमें एक स्टिच और बना, ये पूरा इसी तरीके से राउंड चलता रहेगा। ये हमें जितने इसकी हाइट रखनी है आप उस हिसाब से रख सकती हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात, मैंने सात राउंड बनाए हैं इसके दो कलर के, फिर मैं बताती हूँ आपको। देखिए इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है कितनी इसकी हाइट रखनी है। ये देखिए मैंने इसके पूरे राउंड कंप्लीट कर लिए हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ राउंड बनाए हैं। आप इस, मैंने ये छोटा बनाया, ये थोड़ा बड़ा बनाया, और आप इससे बड़ा बनाना चाहती हैं तो वो भी बना सकती हैं, आप इसके राउंड बढ़ा सकती हैं। अब मैं इसके ऊपर का पार्ट बनाती हूँ। उस ये वाली ऊन को मैंने कट कर दिया है इस कलर की ऊन को, अब इस वाली ऊन से इसका काम शुरू करती हूँ मैं। एक चेन बनाई, ये इस तरीके से एक चेन बनाई, फिर इसके बाद हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब हमें हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, पूरे राउंड में ये सिंगल क्रोशिया बनेगा। तरीके से ये पूरा राउंड बनेगा सिंगल क्रोशिया से। अभी मैं कंप्लीट करके बताती हूँ। इस तरीके से ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने वाला है। ये इस तरीके से ये पूरे राउंड में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है। अब हम इसको स्लिप स्टिच से कंप्लीट कर देते हैं। ये फर्स्ट राउंड इसका कंप्लीट हो गया है, अब सेकेंड राउंड बनाना है हमें। एक चेन बनाई है, उसके बाद इसी स्टिच में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है और पूरे राउंड में सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये सेकंड राउंड है, इस तरह से हमें पांच राउंड बनाने हैं इसके। तो ये सेकंड राउंड है, अब मैं पांच राउंड कंप्लीट करके मैं आपको फिर बताती हूँ। इस तरीके से इसके ये सेकंड राउंड है, इसके पांच राउंड कंप्लीट करने हैं। ये मेरा फिफ्थ राउंड अब कंप्लीट होने वाला है। ये फिफ्थ राउंड कंप्लीट हो गया, अब स्लिप स्टिच बनाना है इसका। ये हो गया, ये देखिए ये हो गया। अब इसके बाद हमें इसका फ्लैप बनाना है। देखिए इस तरीके से चेन बनाई और इसी में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये मैं यहाँ से 14 पहले 14 के बाद एक
दो, तीन, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह और ये चौदह। चौदह स्टिच बनाने के बाद अब हमें इसे एक चेन बना के और इसे टर्न कर लेते हैं। फिर इसी में हमें ये रो कंप्लीट करनी है इस तरीके से। ये मैं टोटल 7 रो बनाऊंगी। 6 रो बनाने के बाद मैं इसमें बटन होल बनाऊंगी और 7वीं रो कंप्लीट करके 7वीं रो इसमें कंप्लीट करके ये पूरा फ्लैप हो जाएगा। एक चेन बनाई, इसको टर्न किया, इसी में ये थर्ड राउंड है और इसके बाद मैं इसे 3 और राउंड बना के 6ठे राउंड में मैं इसे बटन होल बनाऊंगी। ये देखिए 5th राउंड हो गया कंप्लीट। ये अब इसको चेन बनाती हूँ मैं और ये 6th राउंड है। 6th राउंड में हमें 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 स्टिच बनाने के बाद 2 चेन बनानी है, 1, 2 और 2 स्टिच को स्किप करते हुए इस वाले स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाना है और इस रो को कंप्लीट कर लेना है। अब ये 6th रो हो गई कंप्लीट। ये बटन होल बन गया। अब एक चेन बना के इसको अब ये 7th रो है। ये जो हमने बटन होल बनाया था इसमें भी 2 सिंगल क्रोशिया बना लेना है, 1 और ये 2 और बाकी इस तरीके से इस रो को कंप्लीट करना है। ये पूरा फ्लैप इसका कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से बन जाएगा ये। अब मैं इसकी आउटलाइन बनाती हूँ, इसको मैं कट कर दूंगी अभी। अब मैं दूसरे कलर के इस कलर की ऊन से इसका जो आउटलाइन है वो बनाती हूँ। तो इसके लिए इस तरीके से ऐसे चेन बनाई और फिर इसी में से सिंगल क्रोशिया बनाया। इसको मैं कट कर देती हूँ। आउटलाइन इस कलर से बनेगी। अब 2 चेन बनानी है, 1, 2 और फिर इसको स्किप करते हुए इस वाले स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर 2 चेन, 1, 2 और इसको स्किप करते हुए इस वाली स्टिच में फिर 2 चेन
इसको स्किप करते हैं, इसमें सिंगल क्रोशिया, दो चेन, और फिर इसको स्किप करते हुए इस वाले स्टिच में सिंगल क्रोशिया इस तरीके से पूरा राउंड ये ऐसे ही कंप्लीट होगा। एक स्किप करना है और नेक्स्ट स्टिच में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, दो चेन बनानी है और एक स्टिच को स्किप करते हुए अगले स्टिच में ये इस तरीके से। मैं अभी ये सारा बना के अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये सारा मैंने पूरा इधर से इधर तक ये सिंगल क्रोशिया और दो चेन बनाते हुए कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसको सुई धागे सुई की हेल्प से अंदर कर दूँगी इस तरीके से। ये यहाँ ये बटन लग जाएगा, ये कंप्लीट हो चुका है। ये अंदर की साइड में से हाइड कर देती हूँ अंदर की साइड से, इस तरीके से ये हाइड हो जाएगा। बाकी इसको मैं कट कर देती हूँ। ये देखिए, यहाँ ये बटन लग जाएगा।